Right, so hi everyone. I'm thinking that you've come to my video either from my profile or from direct message. So I'd like to tell you के कुछ दिनों के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को एक्टिवेट कर दो, नोटिफिकेशंस कर दो, फिर चाहे एग्ज़ाम के बाद आप निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं है। बट मैं रोज़ रोज़ आपको अगर कुछ वीडियो बना के भेजने वाला हूँ तो आपको मिल जाएगा, फिर एग्ज़ाम के लास्ट दिन पे आप अनफॉलो कर सकते हो। एनीवेज, तो ये बायोडाइवर्सिटी की जो हमारी नोट्स है उसमें ये सारे MCQs दिए हैं जिसको हम फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। और ये MCQs में आपको याद रखना है कि नहीं, ये आपका अल्टीमेट पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि शायद आपने ऐसा कोई अगर नंबर देखा है 1.8 मिलियन या कोई ऐसा नाम आपने पढ़ा है तो आपको MCQ में चूज़ करते वक्त आपको आसानी होगी। तो ऐसे नंबर्स है जो अगर दिमाग में याद नहीं रहते लेकिन MCQs के ऑप्शंस में से आप डिसाइड कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन नाउ। टू डेट साइंटिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड एंड काउंटेड अबाउट 1.8 मिलियन स्पीसीज। ठीक है, 1.8 मिलियन स्पीसीज है। हाउएवर द एस्टिमेट्स आर दैट द नंबर कुड वेरी फ्रॉम 1.5 टू 20 बिलियन। ऑलराइट, यहाँ पे 20 बिलियन लिखा है लेकिन इतना बड़ा वेरिएशन नहीं आ सकता 1.5 मिलियन से 20 बिलियन तक। तो जिसने भी ये नोट्स बनाई है अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करो, क्लैरिफाई करो ये पॉइंट कि 1.5 मिलियन से 20 बिलियन कैसे हो सकता है। नहीं तो फिर गूगल कर लो यार। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज अ कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये बहुत स्टूपिड सा क्वेश्चन लगता है लेकिन आ सकता है। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिफाइंस बायोडाइवर्सिटी एज, पहली बात, द वेरिएबिलिटी अमंग, ठीक है, मतलब ये डिफरेंस है अमंग व्हाट, अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ठीक है, ऑल सोर्सेज इंटर एलिया अमंगस्ट अदर्स, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन से लेना देना, टेरा, टेरा में से वर्ड आया है, लैटिन वर्ड है टेरा मतलब ग्राउंड, मरीन, मरीन मीन्स वाटर रिलेटेड, एंड अदर एक्वाटिक इकोसिस्टम्स एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर अ पार्ट, विच दे आर अ पार्ट, ओ पार्ट नहीं। दिस इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज, बिटवीन स्पीसीज एंड ऑफ इकोसिस्टम्स। ठीक है, ये अच्छी सी डेफिनेशन है, इसको याद रखने का कोई मतलब नहीं। द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहली बात, जेनेटिक डाइवर्सिटी, वेराइटी इन द जेनेटिक मेकअप अमंग इंडिविजुअल्स विद इन अ स्पीसीज। चलो हो गया खत्म। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब स्पीसीज और डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डाइवर्सिटी दिखती है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी देख लिया, स्पीसीज डाइवर्सिटी देख लिया। यहाँ पे आपको MCQ में भाई, यहाँ पे अगर बिटवीन अमंग द स्पीसीज लिखा है तो ऑब्वियसली स्पीसीज आंसर होगा, और जेनेटिक लिखा है तो जेनेटिक ही आंसर होगा। इकोसिस्टम्स और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब यही इकोसिस्टम्स के बीच की जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंस मतलब वेरिएशन है जो हमने डेफिनेशन में वर्ड पढ़ा, तो इसको इकोसिस्टम बोलेंगे। ये बड़ी बड़ी होती जाती है। फंक्शनल डाइवर्सिटी मतलब बायोलॉजिकल या केमिकल प्रोसेस या फंक्शंस के बेसिस पे से डाइवर्सिटी दिखती है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स सच एज एनर्जी फ्लो, मैटर साइकिलिंग नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज एंड बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। तो फंक्शनल डाइवर्सिटी हो गई, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई। नाउ, बायोडाइवर्सिटी इज नेचर्स इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट डिजास्टर्स। ठीक है, ये MCQ की क्वेश्चन है तो इसमें व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन ये सब फिलोसोफी नहीं करेंगे। बोला है कि इंश्योरेंस पॉलिसी है तो है। टू डेट साइंटिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे 1.4 मिलियन स्पीसीज लिखा है लेकिन ऊपर 1.8 मिलियन लिखा है और नीचे 1.5 मिलियन भी लिखा है और 20 बिलियन भी लिखा है। द बायोडाइवर्सिटी वर्ड इज कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है जो सेम हमने ऊपर पढ़ी थी वही है ये। इसके बाद काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी अभी हमने किया, इसको वापस दूसरी बार लिखा गया है। इंश्योरेंस पॉलिसी है ये भी समझ में आ गया, स्पीसीज डाइवर्सिटी है ये फिर वापस वही सब लिखा है इसमें, फंक्शनल डाइवर्सिटी तक।
अब इसके एग्जांपल्स है कंपटीशन फंक्शनल के, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म मतलब एक एक पैरासाइट कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, होस्ट ऑर्गेनिज्म पे अटैच कर देता है अपने आप को। जैसे वेनम मूवी देखा था, जो वो था वो पैरासाइट था, और जो उसमें जो अपना टॉम हार्डी था वो होस्ट था। तो पैरासाइट होता है जो होस्ट के ऊपर फीड करता है। सो एनीवेज, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज एक्सटिंक्शन, ठीक है, इट्स अ थ्रेट बिकॉज ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बट द वे ह्यूमन बींग्स डोमिनेट द अर्थ। तो ये भी है कि ह्यूमन बींग का जो डोमिनेशन है वो भी एक थ्रेट है, उसकी वजह से स्पीसीज एक्सटिंक्शन का डर रहता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 9% ऑफ द स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट एवरी मिलियन ईयर्स, बट ह्यूमंस हैव एक्सेलरेटेड इट टू 10,000 टाइम्स फास्टर। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है तो वो है डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट, एफॉरेस्टेशन का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। डीफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को डिप्लीट करना। पोचिंग, पोचिंग मतलब यही इलीगल हंटिंग, हंटिंग, पोचिंग, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, ये सारे इसके थ्रेट्स है टू बायोडाइवर्सिटी। नाउ व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अराउंड द ग्लोब? लाइफ इज फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स, इन एवरी सी एंड फ्रॉम पोल टू पोल, ठीक है, इट्स ऑब्वियस, बट इट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सम एरियाज आर रिचर देन अदर्स, ऑब्वियसली। ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट था नॉर्मन मेयर्स, इसको याद रखो, नॉर्मन मेयर्स, ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर्स था, उसने टर्म बनाया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 1988 में। और उसने उसको कैसे डिफाइन किया? एज एरियाज दैट आर कैरेक्टराइज्ड बोथ बाय एक्सेप्शनल लेवल ऑफ प्लांट एंडेमिज्म एंड ऑल्सो बाय सीरियस लेवल ऑफ हैबिटेट लॉस। ये दोनों चीज जहाँ पे है तो याद रखो, प्लांट एंडेमिज्म एंड सीरियस लेवल ऑफ हैबिटेट लॉस, ये दो चीजें थी जिसको नॉर्मन मेयर्स ने एक वर्ड में कन्वर्ट किया था जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और ये 1988 में वर्ड बना था। ठीक है, हॉटस्पॉट रीजन्स कौन से हैं? नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में कैलिफोर्निया, फ्लोरिस्टिक प्रोविंस, कैरेबियन आइलैंड्स, मेड्रियन पाइन ओक वुडलैंड्स एंड मेजो अमेरिका। ये नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में है। ठीक है, कैलिफोर्निया है तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये अमेरिका से बिलोंग करता है। कैरेबियन आइलैंड्स है तो याद रख लो भाई, ये पाइन ओक वुडलैंड्स है, फिर अमेरिका से कैसे भी याद रखो, और मेजो अमेरिका है वो तो अमेरिका दिखता ही है। अब ये साउथ अमेरिका है तो चिले अगर आपको नाम दिखता है तो ऑफकोर्स वो साउथ अमेरिका ही होगा। और ये जो सारे स्पेनिश टाइप जो आपको नाम दिख रहे हैं, ये तुम्बेस, चोको, मैग्डालेना, सेरादो, तो ये सारे नाम आपको ऑब्वियसली ट्रॉपिकल आंदेस, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि ये साउथ अमेरिका से रिलेट करते हैं। आपको चाहे नाम याद रहे ना रहे, एमसीक्यू में आपको ऐसा स्पेनिश टाइप नाम देखने से पता चल जाना चाहिए कि ये नाम साउथ अमेरिका से रिलेट करता है। इसके जो सारे नाम है वो कोई स्पेनिश टाइप नहीं है नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका के। अब आ गया यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, कोकेशियस। आपको अगर पता है तो ये जो वाइट स्किन्ड होते हैं इनको कोकेशियंस भी बोलते हैं, तो उससे आप याद रखो कि कोकेशियस यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में आता है। ईरानो अंतोलियन, एनाटोलियन है या अंतोलियन है, तो ये जो है वो भी फिर यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में आता है। मेडिटेरेनियन बेसिन, ये भी हमारे यूरोप में और हमारे सेंट्रल एशिया में आता है। एंड माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ये बहुत ऑब्वियस है। अब अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के नाम आपको मापुता, ये नाम मादागास्कर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, फिर एफ्रो, फिर अफ्रीका और केप। ये केप टाउन से याद रखो, इसको केप वर्ड है तो वो अफ्रीका से रिलेटेड है। एंड कैरू है, कैरू, ये भी अफ्रीका से रिलेटेड है। तो ये सारे नाम आपको याद रहे ना रहे आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए एमसीक्यू में, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब ये एशिया पैसिफिक है, ईस्ट मिलेनियन आइलैंड्स, हिमालय ऑब्वियसली, इंडो बर्मा ऑब्वियसली, जापान ऑब्वियसली, चाइना ऑब्वियसली, सेलेडोनिया ये याद रख लो कैसे भी, न्यूजीलैंड, ठीक है, फिलीपींस, ठीक है,
पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ठीक है, एशिया एशिया है तो वो हमारे एशिया पैसिफिक में है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया फाइन, सुंडरलैंड फाइन, वॉलेसिस फाइन, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका फाइन, चलो ये एशिया पैसिफिक है। ये आपके लिए मैप दिया है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हॉटस्पॉट्स को आप में से अगर किसी का अच्छा है बहुत ज्योग्राफी तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। वॉट इज आई मीन सॉरी वाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट? नाउ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स याद रखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों बायोडाइवर्सिटी में आता है, टेंड टू बी मोर स्टेबल इन एनवायरमेंट ऑब्वियसली, हाई डाइवर्स इकोसिस्टम इज अ साइन ऑफ हेल्दी सिस्टम, ठीक है, सम आर्ग्यू दैट विद एक्सटिंक्ट स्पीसीज नो हार्म हैज कम टू अस, मतलब एक्सटिंक्ट हो गई उससे हमें कोई लेना देना, मतलब कोई इफेक्ट डायरेक्टली नहीं पड़ता है, और ऐसा बोलते हैं कि अर्थ सिस्टम्स आर सो कॉम्प्लेक्स दैट वी डोंट नो फॉर श्योर एंड वी आर स्टिल लर्निंग, ऐसा किसी लोगों की, मतलब कई लोगों की आर्ग्यूमेंट है ऐसी, विच इज़ फाइन बिकॉज आर्ग्यूमेंट के लिए कुछ भी आप आर्ग्यू कर सकते हो, तो इसमें ये सवाल नहीं पूछना है कि ये क्यों आर्ग्यू किया, किया तो किया। डाइवर्सिटी एक्ट्स एज अ जीन बैंक फॉर आर यूजेबल थिंग्स लाइक क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक एटसेट्रा, इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन स्पीसीज हैव अ परफेक्टली फिट इन टू इकोसिस्टम, इफ वी टेंड टू डिस्टर्ब इट द होल थिंग विल कोलैप्स। नाउ दिस पर्सनली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू मी बिकॉज हमारे घर में लिजर्ड अगर आती है, हाउस लिजर्ड, डोमेस्टिक लिजर्ड, मतलब जो भी है, वो हमें पसंद तो नहीं आती, लेकिन उसके होने से राइट सीजन में राइट इंसेक्ट्स मर जाते हैं, वो वहाँ पे बैठी बैठी जिन इंसेक्ट्स को मारना है उसको खाती रहती है। हमें लगता है कि हाउस फ्लाई का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हमें लगता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एनिमल या इंसेक्ट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ह्यूमंस को डायरेक्टली कोई असर नहीं पड़ता तो उसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई सोसाइटी में, मतलब ये बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजी में कोई इनका काम नहीं है। यू नो जस्ट थिंकिंग दैट सम स्पीसीज इज यूजफुल ओनली बिकॉज इट अफेक्ट्स ह्यूमंस सीम्स टू मच ऑफ यू नो सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग टू मी, तो शायद उनका हमारे से लेना देना नहीं है, कोई दूसरी स्पीसीज को वो हेल्प करती है जो इनडायरेक्टली हमें हेल्प करती है, तो ये पूरी चेन है और इसको हमें फालतू में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, इंडियाज बायो जियोग्राफिक जोन्स, नाउ द कोल्ड माउंटेनस स्नो कवर्ड ट्रांस हिमालयंस रीजन्स ऑफ लद्दाख, ये इंडिया के बायो जियोग्राफिक जोन्स हैं। इसमें से कैसे टाइप के MCQs पूछ सकते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन एक बार पढ़ लेने से शायद हम कुछ तो आइडेंटिफाई कर पाए। हिमालयन रेंजेस है और वैलीज है, कहाँ पे, कश्मीर में है, हम हिमाचल प्रदेश में है, मैं गया हूँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में है, आसाम में है और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, ठीक है। द तेराई एंड द लैंड वेयर द हिमालय रिवर्स फ्लो इन टू द प्लेन्स फाइन, द गंगाटिक एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स फाइन, द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, द सेमी एरिड ग्रास लैंड रीजन ऑफ द डेक्कन प्लेटू, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया फाइन, द वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला, ओके, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओके, द लॉन्ग वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट विथ सैंडी बीचेस, फॉरेस्ट्स एंड मैंग्रोव्स, तो ये जो भी सारे हैं वो इंडिया के बायो जियोग्राफिक जोन्स हैं। इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, ठीक है, एंड कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, इनमें से कई सारे नाम होंगे जो हमने प्राइमरी एजुकेशन में और सेकेंडरी एजुकेशन के हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा इन सबको, तो ये बहुत ही कॉमन नेम्स है और यही वजह से ये इस लिस्ट में है कि ये बायो जियोग्राफिक जोन्स है और इनके कोई ना कोई इंपॉर्टेंस रहे होंगे। इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, यहाँ पे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, हम फटाफट देख लेते हैं, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि एग्जाम के एक दो दिन पहले आप पढ़ के आप याद रख पाओगे, तो जस्ट एक बार फेमिलियर हो जाओ इससे। इंडिया बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना रिटेन्ड अफ्रीकन स्पीसीज एंड देन व्हेन इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट्स स्पीसीज फ्रॉम द यूरोप एंड फार ईस्ट जॉइंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसका ड्राफ्टिंग गड़बड़ है लेकिन एसेंस समझ लो तो हो जाएगा। अमंग द बायो जियोग्राफिकली रिच नेशंस इंडिया स्टैंड्स अमंग टॉप 10 to 15, ये बात मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ जब भी कोई मेरे साथ इंडिया का डिस्कशन करता है, मैं यही बोलता हूँ कि ज्योग्राफिकली आप बोलो या कोई भी रिसोर्स वाइज बोलो,
मेटल्स नॉन मेटल्स या कोई भी हमारे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करो या कल्चरली करो, आर कंट्री इज रियली सुपेरियर टू अ मेजॉरिटी ऑफ अदर कंट्रीज. ये मेरे अंदर की देशभक्ति नहीं बोल रही है, वी आर एक्चुअली वेरी रिच एंड दिस वॉज द रीजन वाई वी वर नोन एज सोने की चिड़िया बिफोर दोज पीपल केम एंड यू नो डिसरप्टेड एवरीथिंग दैट वॉज गोइंग ऑन. बट एनी वेज ये स्टैटिस्टिक्स है. वी स्टैंड अमंग द टॉप 10 to 15 इन द कंट्रीज एज फार एज बायोजियोग्राफिकली रिच नेशन आर कंसर्न. नाउ वी हैव गॉट 350 डिफरेंट मैमल्स एंड वी ऑल्सो रैंक 8th इन द वर्ल्ड. सो इफ यू रिमेंबर एज फार एज मैमल्स आर कंसर्न दिस लुक्स लाइक एन एलिफेंट दिस 8. सो रिमेंबर दैट द रैंकिंग वी हैव इन मैमल्स इज द 8th रैंक एंड बायोजियोग्राफिकली रिच में टॉप 10-15 विच इज वेरी ईजी. ठीक है. नाउ 453 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड वी आर 5th हाइएस्ट इन द वर्ल्ड. फाइन. सो वी आर 5th इन द वर्ल्ड एज फार एज रेप्टाइल्स आर कंसर्न, 8th एज फार एज मैमल्स आर कंसर्न. वी हैव गॉट 50,000 नोन इंसेक्ट स्पीसीज. वी हैव गॉट 13,000 टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज. वी हैव गॉट 45,000 प्लांट स्पीसीज and we are 15th in the world. Okay, so these are some good statistics and something to be proud of. India is estimated that 18% of Indian plant species are endemic to country. All right. Among amphibians, 62 are unique to this land. That's very good. Among reptiles, 50% are endemic. Ye yaad rakho, bahut important word hai, endemic. 50% reptiles are endemic. Traditional cultivars included 30,000 to 50,000 varieties of rice and a number of cereals, vegetables and fruits. So, itni ye sab biodiversity mein hi aata hai. Biodiversity is not just about animals and plants. So, it's about every element of the ecosystem. Now, gene banks have collected over 34,000 cereals, 22,000 pulses, and which are grown in India, and it has also got 27 indigenous cattle breeds, 40 sheep nahi hai country mein, 40 types of sheep hai, 22 goats bhi nahi hai, 22 goats nahi hai, 22 types of goats hai, and not 8 buffaloes, 8 types of buffaloes. A common plant species, sabse pehle teak, found in the southwestern part of Indian peninsula, much sought after. Fine, we've got teak in the southern part of Indian peninsula. All right, it has got large leaves up to 40 to 50 centimeters long, 20 centimeters wide, and it has got bears, matlab it has tiny flowers and fruits. Fine, so ye hai iska naam, ye yaad rakho bhai, Tectona grandis. Sal. It is found in the northeastern states and Madhya Pradesh, Odisha states of India. Fine. It has bright green foliage. Foliage matlab full patte greenery and remains green throughout the year. Fine. The wood is hard and durable and the seed is used in cosmetic. Good. Mango. Fine. Most popular horticulture tree. हॉर्टिकल्चर का भी वर्ड याद रखो भाई. वाइल्ड मैंगो ट्रीज आर स्मॉल टैंजी फ्रूट्स एंड अ बिग सीड इन कंपैरिजन टू द लार्ज पल्पी फ्रूट यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर. फाइन. इट इज़ एन एवरग्रीन ट्री. एवरग्रीन ट्री मतलब ये इसमें ऑटम सीजन में आपको पतझड़ नहीं दिखती है, एवरग्रीन है. फिकस. पीपल बनियान एंड मैनी अदर स्पीसीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ट्री. दीज ट्रीज बेयर बेरीज throughout the year, hence they are considered as keystone species in the ecosystem. Fine. ये आपका पीपल का, बनियान का जो भी लीफ. नीम, also known as Azadirachta indica. Azadirachta indica, जो भी है यार. Widely used in medicinal purposes. अरे इसको, नीम को तो god of trees बोलते हैं, I think. The king of trees. और ये mango है, वो king of fruits है. It has a small yellow fruit used extensively as friendly insecticide. Yes. जिसने भी notes बनाई है अच्छा काम किया है, photos डाले हैं तुमने.
टैमरिंड, ये तो मेरी स्कूल में होती थी टैमरिंड, और पत्थर मार मार के सब बच्चे इसको तोड़ के खाते थे, फिर मार पड़ती थी टीचर से, लेकिन फिर भी सुधरते नहीं थे। इट ग्रोज टू अ लार्ज साइज नोन टू लिव फॉर मोर देन 200 ईयर्स एंड इट इज कॉमनली कल्टिवेटेड एज अ शेड ट्री, यस बिकॉज इट्स वेरी डेंस एंड इट्स एडिबल सार फ्रूट एंड इज रिच इन विटामिन सी। अब सार होगा तो विटामिन सी तो होगा ही। और ये एक टेबल है, कॉमनली यूज मॉडर्न ड्रग्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स। एट्रोपाइन है वो बेलेडोना में से आया है, ब्रोमलीन है वो पाइनएप्पल में से आया है। देखो मैं एक एक पढ़ूंगा तो वो बात एक ही होगी, मैं पढ़ूँ या आप पढ़ो, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है या इसका मैं आपको केमिकल कंपोनेंट्स नहीं समझाने वाला हूँ। तो आप पॉज कर लो स्क्रीन को, पढ़ना है तो यहीं से, आपके पास भी नोट्स है यहीं से पढ़ना है तो पॉज कर लो, मैं 2 सेकंड के बाद इसको चेंज कर दूंगा। ये देखो मेंथॉल, ये मेंथॉल जो है वो टूथपेस्ट वाले बहुत, टूथपेस्ट एंड अदर कॉस्मेटिक्स वाले बहुत इसको फेस वॉश में और सब में ब्रांड करते हैं। देखो पार्किंसंस डिजीज है उसको करने के लिए वेलवेट बीन यूज होता है, कार्डियक स्टिम्यूलेंट है ये, एनल्जेसिक है, रूबी फेसियंट है, तो पॉज करके आप देख लो। अब यहाँ पे प्लांट स्पीसीज लिखा है, लेकिन प्लांट स्पीसीज में मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स कहाँ से आया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इंसेक्ट्स, एनीवेज, तो ये सबके नंबर्स है, आई डोंट थिंक ये आप याद रख पाओगे, हो सके तो इनको याद रख लो, बस टोटल को याद रख लो, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, मॉलस्क्स, इन सारों को याद रख लो आप। फाइन, नाउ दीज क्विक एमसीक्यूज, अगेन अनदर लिस्ट, फ्रॉम वेयर डिड द एनिमल राइट्स मूवमेंट ओरिजिनेट। देखो ये वैसे तो बायोडाइवर्सिटी का है, लेकिन बस ऐसे फ्रेंडली वे में बता देता हूँ, जब डिड यूज किया है, डिड, तो यहाँ पे वर्ब का बेसिक फॉर्म आएगा, From where did the animal rights movement originate? ये originated नहीं आएगा, verb form 2 या verb form 3 नहीं आएगा, verb basic verb form आएगा जब did use करते हैं तो। Anyways, now from where did the animal rights movement originate? It originated from Europe and America. Europe and America, fine. ये America है, यहीं से आया होगा, Europe तो ठीक है फिर भी, America को बहुत ही problem होता है हर चीज़ में, तो जो भी मतलब रेडिकलिज्म आता है, रिबेलियन जो भी कुछ होता है, जो हो रहा है उससे अलग कुछ चलाना है उनको, पॉलिटिकली करेक्ट रहना है या जो कुछ भी नई नई थियरीज है वो अमेरिका से ही आती है, बहुत ही अजीब लोग हैं, लेकिन याद रख लो यूरोप एंड अमेरिका से आया है एनिमल राइट्स मूवमेंट। अच्छा हुआ आया है, लेकिन बहुत और कुछ भी चीज़ें आई हैं अमेरिका से जो अच्छी नहीं है। काउ इज कंसिडर्ड होली बिकॉज ऑफ इट्स ओवरऑल यूटिलिटी वैल्यू, ठीक है, रीगन याद रख लो, फर्स्ट नेम हो लास्ट नेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रख लो। वॉट डज नॉट कन्फर्म टू बी अ गुड साइंस प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू एंटी विविसेक्शनिस्ट्स, ये एंटी विविसेक्शन मूवमेंट जो है वो उनके हिसाब से टॉक्सिसिटी टेस्टिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, याद रख लो। ये क्या है, क्यों है, ये एमसीक्यू का पार्ट नहीं है, टाइम बहुत कम है तो इसको आप ज़्यादा फोकस मत करो। What does toxicity intend to do? ठीक है, फिर intend does लिखा है तो यहाँ पे intend ही आएगा। What does toxicity intend to do? It shows which organ of the body of the animal may be susceptible to damage by a particular chemical. ठीक है, toxicity, ये हमने criminal psychology में toxicology कुछ पढ़ा था, criminal investigation में toxicology, तो ये chemical से related है, और ऐसे याद रख लो कि इट ट्राइज टू सी कि कौन से केमिकल से कौन से बॉडी पार्ट पे, कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट दिखता है, तो एंटी विविसेक्शनिस्ट के हिसाब से ये चीज़ गलत है, ठीक है, आपको अगर ठीक लगती है नहीं लगती है ये आपका पर्सनल परव्यू है, बट एग्जाम के हिसाब से इन लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद। NABL,
National Accreditation Board of Testing and Calibration Laboratory, ठीक है, NABL, यहाँ पे NABL लिखा है और यहाँ पे NABTCL है, तो कंफर्म कर लेना बस एक बार. Which society brought the difference between animal rights and animal welfare? तो सिग्मा XI, मतलब 11, सिग्मा 11, US है, फिर वही US है. Two main sources of sufferings by laboratory animals, husbandry conditions, effect of restricted space, ठीक है, which is very cruel, diet, very cruel again, social isolation, again very cruel, and unusual environmental conditions, again very cruel, and scientific procedures. Okay, so two main sufferings are husbandry conditions and scientific procedures. इसके साथ मैं completely agree करता हूँ भाई. ये generally आपको ये dogs, जो beagles है वो आपको पता होगा, तो beagles के ऊपर भी lab वाले बहुत testing करते हैं. And there are some NGOs that work, and I know one of them in Ahmedabad, जिनका काम है इसको rescue करना beagles को laboratory में से. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट दे आर डूइंग, एंड फिर उनका अडॉप्शन भी करवाते हैं. ICLAS इज इंटरनेशनल कमिटी फॉर लेबोरेटरी एनिमल साइंस, ICLAS, फाइन. ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ICLAS, ठीक है, USA with अराउंड मेंबरशिप 200 कंट्रीज, ठीक. INSA, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, ओके. व्हेन वर द गाइडलाइंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री पब्लिश्ड बाय INSA? 1992 and further revised in 2000. Okay. Principle of 3 R's by Russell and Birch in 1953. Refinement, reduction and replacement. Okay, fine. Which infection to human infection found in langur monkey? Filarial. इसका मीनिंग क्या है? Basically, I think langur monkey का कोई एक infection human में मिला होगा और उसकी बात हो रही है, filarial. Indian scientific organization ICMR. Indian Council of Medical Research, CPCSEA, Committee for Control and Supervision of Experiments on Animal, ठीक है, Experiments on Animal, ठीक है. ये जो पेज है वो discretionary model और उससे related है, तो अभी हमारे से related नहीं है, तो ये quick MCQs का यहाँ पे ही हम वीडियो को end कर देंगे. Alright guys, thank you so much.